हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। तो साजिदा फिर से हाजिर है आप लोग के सामने एक नई टिप्स के साथ। तो दोस्तों, इस टिप्स की हेल्प से आपके घर के जो भी कांच के बर्तन हैं उन्हें आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकती हैं, जो रखा रखा हुआ गंदा हो जाता है, डस्ट पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत ही इजीली क्लीन किया जा सकता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास ये कांच के गिलास हैं, आपके पास जो भी बर्तन है उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बॉल में नॉर्मल पानी। ये बिल्कुल नॉर्मल वाटर है दोस्तों, मैं अभी आपको बता देती हूँ। और इसमें मैं एक चम्मच कोई भी कंपनी का डिश वॉश ले लीजिए आप। और यहाँ पर मैं आधा नींबू का टुकड़ा जो निचोड़ के ऐड कर लूँगी। इससे क्या होगा दोस्तों, काफ़ी डीपली क्लीन होगा और बहुत ही अच्छा शाइन आ जाएगा हमारे गिलास के बर्तन पे। तो मैं इसमें डिप करके इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये मैं दो दो करके ही क्लीन करूँगी। तो मैं इसे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था, जो कि 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देख सकते हो इसे थोड़ा सी क्लीन हो गया है। अब मैं इसमें कोई भी आप स्क्रब ले लीजिए, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पर इसको थोड़ा से घिस लेंगे ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो सब रिमूव हो जाए बहुत ही आसानी से। तो अच्छे से इसको घस लेना है डीपली, जहाँ जहाँ पे आपका फिंगर जाता है बहुत ही अच्छे से, वहाँ पे अच्छे से आप घिस लीजिए, साफ़ कर लीजिए। और दोनों ग्लासों के साथ इसी तरह से करना है। ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हम इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं तब ये डस्ट हो जाता है दोस्तों, जिसकी शाइन कम हो जाती है। तो हम इसकी मदद से करेंगे ताकि हमारा जो कांच का बर्तन है हमेशा चमकता रहे। इसी तरह को आपको हमेशा क्लीन करना है दोस्तों। तो ये देखिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चारों ग्लासे बहुत ही अच्छे से घस लिए हैं और इन्हें खंगाल लिया है। एक बार मैं इन्हें बहुत ही अच्छे से क्लीन पानी से वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक मेन स्टेप बताऊँगी जिससे आपके जो कांच के बर्तन हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्रैक नहीं होंगे और शाइनिंग रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। इस बॉल में मैं ऐड कर लूँगी एक चम्मच विनेगर। विनेगर को हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक छोटा चम्मच ही लेना है, उतने हिसाब से मैंने लिया है। और ये जो हमारे पास गिलास है जिसको मैंने पहले से वॉश कर लिया है, बस इसको थोड़ा सा इसके अंदर डिप करके निकाल देना है और इसको उल्टा करके रखना है ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए। फिर हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। तो ये देखिए बारी बारी मैं सारा कर लेती हूँ। जो गिलास रेडी हो गए हैं उन्हें हम निकाल देंगे और उल्टा करके रखेंगे ताकि एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। एक एक गिलास को अच्छे से पोंछेंगे। तो चलिए पोंछ के मैं आपको बता देती हूँ। एक गिलास, ये देखिए जहाँ जहाँ पर आपके फिंगर्स के निशान आ रहे हैं वो पोर्शन बहुत ही अच्छे से पोंछना है, आप देख सकते हो, मैं इसलिए आपको एक बता रही हूँ। इसी तरह से आपको सारे ग्लासेसों को पोंछ लेना है, फिर मैं आपको इसकी शाइन बताऊँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितना अच्छा शाइन आ गया है। पहले जो मैंने आपको बताया था वो ग्लास कितना गंदा था, और यहाँ पे आपको एक शाइन देखने को मिल रही है जो कि लॉन्ग टाइम तक का रहेगी। और ये वाला भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल नई टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से आप कांच के सारे बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये टिप्स, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।